अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैर तफरी के लिए कुछ लोग अम्यूजमेंट पार्क में जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग खूबसूरत या फिर एडवेंचरस जगहों पर भी जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की चंद खूबसूरत जगहों के बारे में। ये जगहें इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि इन्हें देखने के बाद हर इंसान का दिल इन जगहों पर जाने के लिए मचलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन दिलकश नज़ारों के बारे में। नंबर वन, हुआकाचिना इन पेरू। दोस्तों हुआकाचिना एक गांव है जो कि जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में मौजूद है। ये गांव एक छोटे से ऑसिस के गिर्द बनाया गया है। ऑसिस रेगिस्तान के दरमियान में एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां एक छोटे से तालाब के गिर्द कुदरती तौर पर दरख्त और पौधे उगे हूँ। दोस्तों इस गाँव में रहने वाले लोगों की तादाद 100 है, लेकिन साल भर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से हजारों टूरिस्ट इस खूबसूरत गाँव में आते हैं और यहाँ पर कुछ दिन गुजारते हैं। इस गांव में टूरिस्ट के एडवेंचर के लिए दो मेन एक्टिविटीज हैं, एक ड्यून बग्गी और दूसरी सैंड बोर्डिंग। अपनी खूबसूरती और एडवेंचरस एक्टिविटीज की वजह से ये गांव दुनिया भर में काफी फेमस है। अगर आपको इस गांव में जाने का मौका मिले तो आप ड्यून बग्गी पर बैठना पसंद करेंगे या फिर सैंड बोर्डिंग करना पसंद करेंगे? मैं तो बग्गी पर बैठना ही पसंद करूँगा। आप सब अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नंबर टू, ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। दोस्तों ये जो बड़ा सा गर्म पानी का होल आप देख रहे हैं इसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ये हॉट स्प्रिंग अमेरिका की स्टेट वायोमिंग के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद है जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग है। इसके अलावा दुनिया भर में देखा जाए तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग है। दोस्तों इस हॉट स्प्रिंग की खासियत इसके रेनबो जैसे 7 रंग और उबलता हुआ पानी है जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट वायोमिंग जाते हैं और इस दिलकश नज़ारे से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस हॉट स्प्रिंग के बारे में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये देखने में ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये 160 फीट तक गहरा है। इसके उबलते पानी और इतना ज्यादा गहरा होने की वजह से कोई भी इंसान इसके अंदर जाने का सोच भी नहीं सकता। नंबर थ्री, ब्लू ग्रोटो। दोस्तों जिन लोगों को समुन्दर और बीचेस पर जाना अच्छा लगता है ये जगह उनके लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ब्लू ग्रोटो इटली के कैप्री आइलैंड के नीचे एक सी केव है जिसको अंदर से देखने के लिए पहले तो टूरिस्ट को बड़ी बोट्स में बिठाकर इस केव के पास ले जाया जाता है। उसके बाद छोटी बोट्स में बिठाकर टूरिस्ट को इस केव के अंदर ले जाया जाता है। इस केव के अंदर का पानी नीले रंग का चमकता हुआ नजर आता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों पानी के चमकने के पीछे वजह यह है कि इस केव के अंदर सूरज की रोशनी सिर्फ एक तंग जगह से ही एंटर होती है और ये रोशनी केव के अंदर वाले पानी के साथ रिफ्लेक्ट होकर उसे चमकदार बना देती है जिसे देखने के लिए टूरिस्ट दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आते हैं। ये केव तकरीबन 164 फीट बड़ी और 500 फीट तक गहरी है, जिसका मतलब है कि अगर गलती से भी कोई टूरिस्ट बोट से बाहर गिर जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। आपको ये केव कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। नंबर फोर, कैंडी लेक। दोस्तों कजाकिस्तान में मौजूद ये कैंडी लेक नेचुरल ब्यूटी से माला माल है। ये लेक इस जगह पर शदीद जलजलों की वजह से कुदरती तौर पर बनी है। इस लेक के अंदर उगे इन बारीक और लंबे लंबे दरख्तों को देखकर यूं लगता है जैसे ये आर्टिफिशियल हैं और ये बिल्कुल किसी मूवी के सीन की तरह लगता है, जबकि ये लेक और दरख्त पूरी तरह से रियल और नेचुरल हैं। दोस्तों कजाकिस्तान में जब शदीद सर्दी का मौसम आता है तो इस लेक का पानी पूरी तरह से जम जाता है जिसके बाद इसकी लुक पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसी तरह गर्मी के मौसम में इस लेक का पानी पिघल जाता है और ये अपनी असली हालत में आ जाती है। सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में ही ये लेक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और दुनिया भर से टूरिस्ट इस लेक की खूबसूरती देखने के लिए कजाकिस्तान जाते हैं। नंबर फाइव, सिमारंग। दोस्तों इंडोनेशिया का शहर सिमारंग काफी फेमस सिटी है। ये शहर बाकी शहरों की तरह ही एक आम सा शहर है, लेकिन इस शहर को जो चीज फेमस बनाती है वो है इसमें मौजूद कैंपोंग पेलंगी नाम का ये छोटा सा गांव, जिसे रेनबो विलेज भी कहा जाता है। इस गांव में रहने वाले लोगों ने यहाँ की हर एक चीज को, यहाँ तक के रोड्स को भी रेनबो के जैसे डिफरेंट कलर्स के साथ पेंट कर दिया है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कलरफुल और खूबसूरत लगता है। इस गांव के लोगों के इस एफर्ट की वजह से अब ये गांव एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहाँ हर साल टूरिस्ट जाते हैं और इस रंगीन गाँव का विजिट करते हैं। नंबर सिक्स, सालार डे अयूनी। दोस्तों ये जगह बोलीविया में मौजूद है जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये एक तरह का रिफ्लेक्टिंग फ्लोर है जहां जमीन और आसमान के दरमियान फर्क कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये जगह भी पूरी तरह से नेचुरल और खूबसूरत है। अपनी खूबसूरती की वजह से ये जगह एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनी हुई है।
दोस्तों बर्फ जैसी दिखने वाली इस जगह को बेसिकली साल्ट फ्लैट्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत सारी लेक्स की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बने हैं। टूरिस्ट इस जगह पर गाड़ी के जरिए जाते हैं और यहाँ पिक्चर्स बनाकर इन्हें अपनी मेमोरीज के तौर पर सेव करते हैं। ये जगह सच में बहुत ही कमाल की है, क्योंकि यहाँ जाकर आपको यूँ लगता ही नहीं कि आप जमीन पर खड़े हैं, बल्कि आपको यूँ लगता है जैसे आप आसमान पर आ गए हैं। तो दोस्तों ये थी चंद ऐसी खूबसूरत जगहें जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह कौन सी लगी, नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।